तो हमें एक सपोर्ट तो चाहिए। और हमारे पास जैसे मैंने दुआ जहरा में कहा कि हाई कोर्ट में तक तो हमारे साथ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी मैटर था, तो फिर जिब्रान नासिर को मैंने रिक्वेस्ट की। तो हम तनहा नहीं छोड़ते, हम चाहे किसी से भी रिक्वेस्ट कर ले, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार आवाज़ बुलंद कर रही हूँ कि बेटियों के लिए आवाज़ उठाएँ प्लीज़। जो उनको इस तरह ले जा रहा है वो सही नहीं है, अपनी बच्चियों के लिए। और आप लोग मेरा सबसे बड़ा सहारा है, और दुआ जहरा में भी, और जो केस हाईलाइट हो गया, अदरवाइज़ हम देख रहे होते हैं। तो आप सबको शायद याद होगा कि अंजलि के केस में मैंने कहा था कि 14 साल की बच्ची को फ्री विल देना जो है ये सही नहीं है, और ये तो बहुत ही गलत है। तो आप लोग ने, क्योंकि फैसला हो गया था और फैसले पे मैंने बात की थी, तो आप लोग ने कहा था कि ये सही नहीं किया। तो मैंने कहा था भाई मैंने फैसले पे बात की है, फैसला जो है वो आवाम की प्रॉपर्टी होता है, और जब ये नादरा मौजूद है, जब हमारे यहाँ सारे इदारे मौजूद हैं, तो क्या वजह है कि उसको देख के, ये भी हो सकता है जो अब तक सारे केसेस में हुआ, आरजू राजा में और बहुत सारे केसेस में, आपको याद होगा कि ये हुआ कि अबडक्शन ही का केस था, लेकिन जब वो प्रोड्यूस हुई तो उनको कहा कि ठीक है ये ट्रायल केस ट्रायल कोर्ट में चलेगा, लेकिन उनको दारुल अमान भेज दिया गया। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि जब बच्चियां इस तरह से जो है अबडक्शन के बाद प्रोड्यूस हों, तो उस लड़के के साथ मत भेजें, उस ख़ानदान के साथ मत भेजें प्लीज़। और यही मैं दरख्वास्त कर सकती हूँ, हाथ जोड़ के कर सकती हूँ, शायद मेरी आवाज़ कहीं पहुँच जाए।